हेलो फ्रेंड्स, आज हम परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसकी लेंथ निकालना है तो कैसे निकाली जा सकती है, ये सीखेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बीसी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो BC की लेंथ होगी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हुआ, b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हुआ। 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 400 और इसका अंडर रूट किया जाए तो 20। BC की लेंथ 20 आ गई। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, पर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो हमें याद कर लेना चाहिए, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 20, 4, 25। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, इसमें 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को ऐड करो तो 5 का स्क्वायर आता है। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो इन साइड से अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं तो इनके कोई भी मल्टीपल से भी राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। अगर हम लोग 12, 16 को देखें तो ये इसका मल्टीपल है, 4, 3 12, 4, 4 16, तो 4, 5 20 डायरेक्टली आ सकता है, हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो ए बी और ए सी का हाफ बेस इनटू हाइट कर दें और बी सी और ए डी हाफ बेस इनटू हाइट कर दें, क्योंकि ये बेस है अगर ए बी तो AC भी बेस होगा, AC परपेंडिकुलर होगा, और अगर BC बेस है तो AD परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से एक डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड हमारा बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि इक्वल है तो हाफ AB इंटू AC किया जाए तो हाफ BC इंटू AD के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला गया, हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा जो AB और AC, BC और AD का प्रोडक्ट है वो इक्वल हो रहा है। H की वैल्यू हो जाएगी AB into AC upon BC। तो डायरेक्टली दोस्तों ये फॉर्मूला हर बार लगाया जा सकता है, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, H की वैल्यू आएगी। यहाँ 12 और 16 है एंड दिस इज 20, 4, 3 12, 4, 5 20, 16, 3 48/5, 9.6। इस h की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर आ गई, अगर ये सेंटीमीटर्स है तो। तो आगे भी दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ये 3 और 4 दे रखा है, h निकालना है, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया, AD इज इक्वल टू AB इनटू AC परपेंडिकुलर लाइंस और हाइपोटेनियस से डिवाइड किया। AB 3 है, AC 4 है और BC जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उससे 5 आ जाएगा, 3, 4, 12/5, 2.4। दोस्तों डायरेक्टली आंसर आ गया 2.4। एक और क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास फॉर्मूला बना AD की वैल्यू AB into AC upon BC, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। AB की लेंथ 5 है, ये 12 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से BC की लेंथ आ गई 13। तो ये हमारा आंसर आ गया 16/13। 8 और 15 दोस्तों, इससे पाइथागोरस ट्रिपलेट से BC की वैल्यू 17 हो जाएगी और AD की लेंथ, H की वैल्यू AB into AC upon BC हो जाएगी, और AB की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 15 है, BC की वैल्यू 17 है, 120/17। अब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चंस में x और y की वैल्यू भी निकालना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए राइट हाइपोटेनियस थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें AB का स्क्वायर BD इनटू BC आ जाएगा। ध्यान रखे दोस्तों, अगर AB का स्क्वायर करेंगे तो BD और BC का प्रोडक्ट आएगा, और AC का स्क्वायर करेंगे तो CD और BC का प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां पर AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हुआ और उसको BC से डिवाइड कर दें, यानी 20 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी BD। 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12/20 कर दें तो ये BD आ गया हमारा, यानी x की वैल्यू आ गई 4, 5 20, 4, 3 12,
तो BD की लेंथ आ गई 12 3 36 / 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 7 35 एंड 7.2। और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग AC का स्क्वायर CD इनटू BC कर देंगे। AC का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, BC 20 है, इससे डिवाइड किया तो ये CD आ गया 4 5 20 4 4 16। CD की वैल्यू 64/5 12.8। तो दोस्तों ये डायरेक्टली दो फॉर्मूले राइट हाइपोटेनस थ्योरम से हम लोग लगा कर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इस फॉर्मूले इस ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। अगर मुझे x निकालना है तो डेट विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी। ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है और बी सी की वैल्यू 5 है, तो 9/5 यानी 1.8 आ गया। और चूंकि दोस्तों ये तो पूरी लेंथ थी वो 5 थी, ये वैल्यू 3.2 हो जाएगी। देखो इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। ए बी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, बी डी कैलकुलेट करना है और बी सी की लेंथ इसमें 13 है, तो एक्स की वैल्यू 25/13 हो जाएगी। एक्स इज 25/13 और वाई 12 का स्क्वायर दोस्तों 144/30, ये दोनों वैल्यू आ गई। और एक और एग्जांपल देखें, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 का स्क्वायर अपॉन बी सी की वैल्यू 17 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर अपॉन बी सी की वैल्यू 17। दिस इज 225/17 और ये हो गया 64/17। दोस्तों ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग एक्स वाई और एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब